आपके सेंट्रल केवाईसी की कोई भी डिटेल अगर अपडेट करानी है तो सबसे पहले चाहिए केआईएन। आपको यह केआईएन नंबर मिला या नहीं पहले जान लेते हैं कि कैसे पता करें। यदि आपको सीकेवाईसी नंबर अलॉट हो चुका है तो उसकी ईमेल आपको ज़रूर मिली होगी उस ईमेल आईडी में जो आपने वहाँ पर सबमिट की थी। तो अपनी ईमेल आईडी में जाके सर्च कीजिए सीकेवाईसी और आपको kycindia.in की एक ईमेल आई हुई मिलेगी। इस ईमेल के अंदर आपको नीचे अटैचमेंट देखनी है और उस अटैचमेंट में आपका सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा आपका KIN। यहाँ पर पूछे गए पासवर्ड में आपको डालनी है डेट ऑफ बर्थ। इस सर्टिफिकेट को खोलकर आप देख सकते हैं आपका KIN यानी KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर। यदि आपको मोबाइल, ईमेल, एड्रेस कुछ भी अपडेट कराना हो तो KRA यानी जो KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी जिसे सरसाई भी कहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल फिर से अपलोड करनी होती है और वहाँ पर चाहिए होता है आपको यह KIN। अगर आपको CKYC सर्टिफिकेट में एड्रेस ही अपडेट कराना है तो स्क्रीन पे दिखाए गए इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आगे कोई अपडेट इस विषय पर आती है तो वो भी आपको जल्द से मिल जाए। जिन लोगों ने किसी भी तरह की सिक्योरिटी परचेस की हो या लोन लिया हो उनको भी CKYC अलॉट हो चुका होता है। आज के समय में सेंट्रल KYC को फाइनेंशियल एंटिटीज के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आप इन फाइनेंशियल एंटिटीज ये क्या होती हैं? ये 5 है, बैंक, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स या फिर ब्रोकरेजेस। अगर आप यहाँ जाके खाता खुलवाते हैं तो आपको CKYC नंबर देना पड़ता है। इसीलिए आपकी CKYC डिटेल अप टू डेट होनी चाहिए, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। इन एंटिटीज़ के पास जाके आपको जब भी KYC कराना पड़ता था तो 3-4 डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, लेकिन सेंट्रल KYC होने के बाद यह प्रोसेस आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। आपको अपडेट करने के लिए cersai.org.in सरसाई की वेबसाइट पे जाना है। ऊपर ये एंटिटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि आप हैं अदर इंडिविजुअल। इसके बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ से ड्रॉप डाउन में इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके और CKYC को सेलेक्ट करना है ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर आपको अपना KIN यानी KYC आइडेंटिफिकेशन नंबर भर देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको दिखाई दे जाएंगी पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स आपको भर देनी है। जहाँ जहाँ पर रेड स्टार लगा हुआ है वो रो आपको खाली नहीं छोड़नी है। इसके बाद एड्रेस ऑफ द अदर क्रेडिटर में आपको जो आपका सही एड्रेस है वो डाल देना है। अगर आप एड्रेस अपडेट कराना चाह रहे हैं तो वो भी यहीं से अपडेट हो जाएगा। इस लास्ट बॉक्स में आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर फीड कर देना है, यानी कोई आधार अटैच कर रहा हो तो उसे अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना होता है। सबमिट करने के बाद में 5-7 दिनों के अंदर आपको एक ईमेल प्राप्त होती है जिसमें एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन के तहत आपकी CKYC डिटेल अपडेट हो गई है। अगर आपको कोई ईमेल नहीं आता है या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे इन फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के जरिए सरसाई के अधिकारियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई और जानकारी सेंट्रल KYC से संबंधित जाननी हो तो कमेंट में लिख सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।